नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तबरेज सिद्दीकी। सबसे पहले हेडलाइन। गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के व्यापक हैं प्रबंध। एडीजी ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को दिए सतर्कता बरतने के निर्देश। कहा हर्षोल्लास से मनाएं गणतंत्र दिवस। बड़हलगंज थाना क्षेत्र के सितवा पार में तिलक समारोह में हुई हर्ष फायरिंग में 3 घायल। एसएसपी ने कहा मुख्य आरोपी की तलाश है जारी। गोरखपुर न्यूज के माध्यम से लोगों से हर्ष फायरिंग न करने की अपील। मतदाताओं की सहायता एवं शिकायत हेतु स्थापित डिस्ट्रिक्ट कॉन्टेक्ट सेंटर का मंडलायुक्त ने फीता काट कर किया उद्घाटन। कहा मतदान से संबंधित कोई भी जानकारी टोल फ्री नंबर 1950 से प्राप्त कर सकता है मतदाता। विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री फतेह बहादुर सिंह और महापौर सीताराम ने दिया गणतंत्र दिवस की शुभकामना। गणतंत्र दिवस की 70वीं वर्षगांठ पर एडीजी मंडलायुक्त आईजी डीएम एसएसपी एसपी रेलवे एएसपी ने दी अपनी शुभकामनाएं। कहा हर्षोल्लास के साथ मनाएं राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस। 3000 छात्रों ने बनाई मानव श्रृंखला। मनाया राष्ट्रीय मतदाता दिवस। सभी मतदाता समय आने पर मतदान अवश्य करें की कमिश्नर अमित गुप्ता ने दिलाई शपथ। सजनवा पुलिस ने किया लाखों का अवैध शराब बरामद। हरियाणा से बिहार जा रहा था अवैध शराब। एएसपी ने कहा 4 शराब तस्कर भी हिरासत में। मंडलायुक्त ने किया कलेक्ट्रेट परिसर और विभिन्न अनुभागों का निरीक्षण। कहा कोर्ट में लंबित वादों सहित अन्य कार्यों का समय से करें निस्तारण। कार्यों में शिथिलता बर्दाश्त नहीं। फर्टिलाइजर में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी के संदर्भ में आयोजित हुई बीजेपी की आवश्यक बैठक। मतदाता जागरूकता दिवस के अवसर पर मतदाता जागरूकता रैली को गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मतदान के प्रति छात्र छात्राओं को किया गया जागरूक। और वेतन विसंगति सहित 5 सूत्रीय मांग को लेकर एनएचएम संविदा कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल रहा जारी। सीएमओ कार्यालय से निकली रैली। अपर पुलिस महानिदेशक दावा शेरपा ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने जनपदों में होटल सराय धर्मशाला की विधिवत चेकिंग करें और विशेष सतर्कता बरतें। गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए एडीजी दावा शेरपा ने कहा आगामी गणतंत्र दिवस को लेकर व्यापक पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सभी जनपदों को निर्देश दिया गया है कि जो बाहर से आने वाले व्यक्तियों को और जो आके रुके हैं संदिग्ध लोग हैं इनकी चेक करें, मूवमेंट में भी चेक करें। होटल सराय धर्मशाला में भी ऐसे लोग जो संदिग्ध लगते हैं या हाल ही में बाहर से आए हैं ऐसे लोगों की तस्दीक करें। बॉर्डर में विशेष रूप से सतर्कता बरतने को कहा गया है। बॉर्डर में एसएसबी और स्थानीय पुलिस दोनों ही लोगों की आवाजाही पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। बाजार मार्केट और महत्वपूर्ण संस्थान आदि में व्यापक रूप से चेकिंग फ्रिस्किंग करने की व्यवस्था की गई है। मुझे उम्मीद है कि गणतंत्र दिवस सही रूप में सुरक्षित रूप में और भव्य रूप में ये मनेगा ऐसा मेरा मानना है। बड़ागंज थाना क्षेत्र के सितुआ पार गांव में रिटायर्ड पुलिस कर्मी राकेश पांडे के बेटे सूरज पांडे के तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग में चली गोली से 3 लोग जख्मी हो गए। 2 के सिर में जबकि तीसरे के जांघ के पास गोली लगी है। समारोह में मौजूद लोगों ने आनन फानन में घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़हलगंज पहुंचाया, जहां उनकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने जिला अस्पताल और फिर वहां से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वारदात के विरोध में उग्र लोगों ने 2 घंटे का रास्ता जाम कर दिया था। सितुआ पार गाँव निवासी सूरज पांडे का गुरुवार की रात तिलक चढ़ा था। तिलक में डीजे पर डांस के दौरान किसी ने पिस्टल से हर्ष फायरिंग कर दी। गोली लगने से सितवा पार गांव के रामाशीष का बेटा 20 वर्षीय गोलू गौड़ मरथौली उर्फ करवनिया गांव के हरिओम का 19 वर्षीय पुत्र गोविंद और तिलक समारोह में टेंट लगाने वाला बड़हलगंज कस्बे के बेली उर्फ करबला निवासी इसरार का बेटा 18 वर्षीय इरफान को गोली लगी है। गोली लगने के बाद समारोह में अफरा तफरी मच गई। गोलू और गोविंद के सिर में तथा इरफान के बाई जांग में गोली लगी थी। इनमें गोलू की हालत गंभीर बताई गई है। तीनों लोग
घायलों को मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। घटना के बाद परिजन खुद ही प्राइवेट गाड़ी से स्वास्थ्य केंद्र और फिर जिला अस्पताल और वहां से मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। इस संबंध में एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया कि तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान 3 लोगों के घायल होने की सूचना मिली थी। इसमें पुलिस को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है, जिसमें पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है और मुख्य अभियुक्त की तलाश अभी जारी है। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने लोगों से अपील किया कि शादी समारोह में हर्ष फायरिंग ना करें, जिससे शादी और पार्टी समारोह सकुशल संपन्न हो सके। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, जी कल तिलक समारोह में बढ़लगंज में जी गई इस तरह की हर्ष फायरिंग में 3 लोगों के घायल होने की सूचना आई थी और इसमें पुलिस को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है और मेन अभियुक्त की जो है तलाश अभी जारी है और तीनों लोगों की स्थिति फिलहाल अभी खतरे से बाहर है। तीनों को 12 बोर के कुछ छर्रे से नुकसान पहुंचा है और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि इस समय शादी ब्याह और त्यौहार उत्सव का सीजन चल रहा है, वो अपने गन्स का इस्तेमाल इन कामों के लिए ना करें। कलेक्ट्रेट स्थित नागरिक सुरक्षा कोर के कार्यालय में मतदाताओं की सहायता हेतु शिकायत हेतु स्थापित डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर का मंडलायुक्त अमित गुप्ता ने फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। गौरतलब है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद स्तर पर मतदाताओं की सहायता एवं शिकायत हेतु डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर नागरिक सुरक्षा कार्यालय के सभाकक्ष में स्थापित किया गया है, जिसका टोल फ्री नंबर 1950 है। इस टोल फ्री नंबर पर कोई भी मतदाता अपने मतदान केंद्र बूथ सहित निर्वाचन से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कमिश्नर अमित गुप्ता ने बताया। संख्या इसमें संख्या होती है, आती है कितने फोन आए डॉक्टर में आती है इसमें नहीं है निर्वाचन आयोग की ओर से हेल्पलाइन 1950 दी गई है, जिसमें अगर किसी भी वोटर को कोई समस्या हो तो उस पर नोट करा सकता है और जिस जिले का संबंधित होगा वो कॉल ऑटोमेटिकली वहीं डाइवर्ट हो जाएगा। वो उसके आज शुभारंभ आज हुआ है तो उसी को हमने देखा था।
कैंपियरगंज के विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री फतेह बहादुर सिंह ने सभी प्रदेश एवं जनपद वासियों को एवं पार्टी कार्यकर्ताओं को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इसी क्रम में महापौर सीताराम जायसवाल ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर महानगर वासियों को दी बधाई और शुभकामना दी है। महापौर ने अपने बधाई संदेश में कहा कि 1950 में भारत पूरी तरह से गणतंत्र घोषित किया गया था। भारत का संविधान बनाने में डॉक्टर अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद की अहम भूमिका रही। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री फतेह बहादुर सिंह और महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश का विकास हो, उसी में हम सब को लगना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सभी जिला इकाइयां और प्रदेश की इकाई और पार्टी के हमारे सभी लोग गणतंत्र दिवस को भारी बड़े पैमाने पर मनाने का संकल्प लिए हैं। आने वाला 2019 जो लोकसभा का चुनाव होगा, माननीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हों, पुनः प्रदेशवासियों को बधाई और धन्यवाद। 26 जनवरी 1950 को भारत ने हिंदुस्तान को गणतंत्र घोषित किया गया था और तब से लेकर आज तक 70 साल हो गए। हर भारतवासी बड़े ही धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाता है और मुख्य समारोह दिल्ली से लाल किले से किया जाता है। हम लोग भी गोरखपुर में गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। नगर निगम में 8:30 बजे झंडा फहराया जाएगा। मैं अपने तरफ से नगरवासियों को, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। एडीजी दवा शेरपा ने सभी जनपदों के पुलिस अधिकारियों एवं जनता को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई दी है। एडीजी ने कहा कि गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया। इसी क्रम में मंडलायुक्त अमित गुप्ता मंडल वासियों को गणतंत्र दिवस के रूप में हार्दिक बधाई देते हुए सबके सुख समृद्धि तथा बहुमुखी विकास की मंगल कामना की है। IG जय नारायण सिंह ने रेंज के सभी नागरिकों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस हमारे सामाजिक जीवन में विशेष महत्व है। ये पर्व हमें हर वर्ष हमारी सामाजिक और हमारे राष्ट्रीय कर्तव्यों दायित्वों का स्मरण दिलाता है। DM ने जिला प्रशासन की तरफ से सभी जनपदवासियों के मंगलमय जीवन की कामना की है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने गोरखपुर पुलिस की तरफ से जनपदवासियों को शुभकामनाएं दी और इस समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की और साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से लोगों से पुलिस द्वारा किए जाने वाले चेकिंग में सहयोग करने और संदिग्ध व्यक्ति और वस्तु की सूचना देने की अपील की। इसी क्रम में SP रेलवे पुष्पांजलि देवी ने सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और रेल यात्रियों के कुशल मंगलमय यात्रा की कामना की है। इसी क्रम में ASP रोहन प्रमोद बोत्रे ने सभी जनपदवासियों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं सभी लोगों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ और ये उम्मीद है कि आपके जीवन में खुशियाँ लाए और आप अच्छे तरह से अपने जीवन में यापन करेंगे। गणतंत्र दिवस पर मेरी ओर से सभी गोरखपुर नगर वासियों, गोरखपुर जनपद के वासियों और गोरखपुर मंडल के वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। दिवस के परिप्रेक्ष्य में समस्त पुलिस परिवार की तरफ से जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मनाया जा रहा है। जिला प्रशासन की तौर से सबको हार्दिक शुभकामनाएं। गोरखपुर न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं आप सभी गोरखपुर वासियों को पूरे गोरखपुर पुलिस की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप बढ़ चढ़ करके इस मुख्य समारोह जो कि पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में होना है, इसमें हिस्सा लें। आप सभी आमंत्रित हैं और साथ ही अगले कुछ दिनों के लिए जो हमारी चेकिंग होती है, जो हमारी जगह जगह पर चेकिंग के साथ साथ जो है सर्विलांस वगैरह हो रही है, उसमें सहयोग दें। इसके लिए भरपूर सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन कैमरे से लेकर के CCTV कैमरे से सादी वर्दी में पुलिस लगाई जा रही है। बाहर से भी अलग तरह की फोर्सेस ला करके हम लोग सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने आसपास ध्यान रखें। अगर कोई ऐसी संदिग्ध गतिविधि या हरकत जानते हैं तो उसे 100 नंबर पर हमें तुरंत बताएं। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मेरी तरफ से गोरखपुर जनपद के सभी वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और सभी रेल यात्रियों को मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूं कि उनकी यात्रा बहुत मंगलमय हो।
से सारे गोरखपुर वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को और समस्त भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस शुक्रवार को गोरखपुर में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर 39 स्कूलों के 3000 से अधिक छात्र छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को मतदाता बनने के लिए न केवल प्रेरित किया बल्कि मतदान करने की अपील भी की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कमिश्नर अमित गुप्ता रहे। इस कार्यक्रम में पेडलेगंज से राम गड़ताल झील सर्किट हाउस रोड पर आयोजित हुआ, जिसमें 39 स्कूलों के 3000 छात्र छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाई। मानव श्रृंखला का निरीक्षण कमिश्नर अमित गुप्ता, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने किया। उसके बाद राम गड़ताल झील की जेट्टी पर बनाए गए मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। इन कार्यक्रमों में मतदाता बनने और मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। छात्रों द्वारा यहां नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, समूह गान समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में कमिश्नर अमित गुप्ता द्वारा मतदाताओं को शपथ दिलाई गई। उन्होंने ये शपथ ली, हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्य रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कमिश्नर अमित गुप्ता ने कहा, खुद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो, देश प्रेमियों। सभी विद्यालय के विद्यार्थी और उनके आचार्य जन, अरे जनरल जी का नाम चंडा उत्तर करो ना। आपके क्षेत्र क्षेत्र में कार्यक्रम में
सेंसर इस कार्यक्रम स्थल पर सिख यहाँ पहुंच रहे हैं। आप सभी लोग स्नान ले गए, बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए। चाहे रहिया दिल्ली बम्बे चाहे सिंगापुर जरूर आईहा जरूर आईहा अभी वोट डाले गवा में जरूर आईहा। सभी लोग बैठ जाइए। आपके कार्यक्रम स्थल पर पधार चुके हैं, एक साल बंद हुआ है उसके बैठाने करना पड़ेगा। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाए। मुख्य अतिथि महोदय अभी चंद्र के रंग पर उपस्थित हो रहे हैं। मंच पर आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोरखपुर के मंडलायुक्त हैं। आप सभी लोग एक स्थान बैठ जाए अपने स्थान पर। कार्यक्रम एक ही साथ हो जाएगा। इस मंडल के मंडलायुक्त महोदय, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, हमारे अन्य सभी एडीएम साहबान, अन्य जिले के जिलाधिकारी अपर जिलाधिकारी साहबान, आज बैच लगाकर आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध है कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय का बैच लगा करके स्वागत करेंगे। तहसीलदार महोदय से अनुरोध है कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महोदय का बैच लगा करके स्वागत करें। सभी प्रशासनिक अधिकारियों का बैच लगा करके स्वागत करेंगे। आपके भारत निर्वाचन आयोग तक पहुंचनी चाहिए जबरदस्त कर बदल से। जबरदस्त कर बदल से।
सर इधर 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 मुकल है सर, इधर मंच की तरफ जी सर। जबरदस्त जबरदस्त ताली होनी चाहिए, आप लोगों द्वारा एक जबरदस्त बैलून आप लोग सभी लोग एक सभी लोगों को उपलब्ध करा दें। आगे आ जाइए, मैम आगे आ जाइए, मैडम मैडम आ गई थोड़ा आगे। धन्यवाद। कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया है, अब हमारे अतिथिगण आसन लेंगे। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। जय हिंद। राष्ट्रीय मतदान दिवस हम तो लोगों को जागरूक करने आए हैं। अच्छे हमें दिखेंगे, चलो चलते हैं। चलो देखिए, आज जो मतदाता जागरूकता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, उसका मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि जो मतदाता हैं उनको जागरूक करना कि वो चुनाव के समय जो मतदान का दिन होता है उस दिन अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें और साथ ही साथ बिना किसी प्रलोभन में आए और बिना किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस के अपने स्वस्थ चित्त का इस्तेमाल कर वोट डालें। ये इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है और अभी कार्यक्रम आयोजित किया गया है, हर बूथ पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, साथ ही तहसील मुख्यालयों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और जिन खेलों ने अच्छा कार्य किया है पूरे अभियान के दौरान जो चला था अभी मतदाता सूची पुनरीक्षण का, उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। देखिए, प्रयास यही रहेगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम लिए जाएँ कि लोग अधिक से अधिक जागरूक हों और मतदान का प्रतिशत अधिक हो। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जाते जाते एक नजर हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के व्यापक हैं प्रबंध, एडीजी ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को दिए सतर्कता बरतने के निर्देश, कहा हर्षोल्लास से मनाएं गणतंत्र दिवस। बड़हलगंज थाना क्षेत्र के सितुआ पार में तिलक समारोह में हुई हर्ष फायरिंग में 3 घायल, एसएसपी ने कहा मुख्य आरोपी की तलाश है जारी। गोरखपुर न्यूज के माध्यम से लोगों से हर्ष फायरिंग न करने की अपील। मतदाताओं की सहायता एवं शिकायत हेतु स्थापित डिस्ट्रिक्ट कॉन्टेक्ट सेंटर का मंडलायुक्त ने फीता काट कर किया उद्घाटन, कहा मतदान से संबंधित कोई भी जानकारी टोल फ्री नंबर 1950 से प्राप्त कर सकता है मतदाता। विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री फतेह बहादुर सिंह और महापौर सीताराम ने दिया गणतंत्र दिवस की शुभकामना। गणतंत्र दिवस की 70वीं वर्षगांठ पर एडीजी मंडलायुक्त आईजी डीएम एसएसपी एसपी रेलवे एएसपी ने दी अपनी शुभकामनाएं, कहा हर्षोल्लास के साथ मनाएं राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस। 3000 छात्रों ने बनाई मानव श्रृंखला, मनाया राष्ट्रीय मतदाता दिवस, सभी मतदाता समय आने पर मतदान अवश्य करें।
की कमिश्नर अमित गुप्ता ने दिलाई शपथ। सजनवा पुलिस ने किया लाखों का अवैध शराब बरामद। हरियाणा से बिहार जा रहा था अवैध शराब, एएसपी ने कहा चार शराब तस्कर भी हिरासत में। मंडलायुक्त ने किया कलेक्ट्रेट परिसर और विभिन्न अनुभागों का निरीक्षण, कहा कोर्ट में लंबित वादों सहित अन्य कार्यों का समय से करें निस्तारण, कार्यों में शिथिलता बर्दाश्त नहीं। फर्टिलाइजर में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी के संदर्भ में आयोजित हुई बीजेपी की आवश्यक बैठक। मतदाता जागरूकता दिवस के अवसर पर मतदाता जागरूकता रैली को गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मतदान के प्रति छात्र छात्राओं को किया गया जागरूक। और वेतन में संगति सहित 5 सूत्रीय मांग को लेकर NHM संविदा कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल रहा जारी। CMO कार्यालय से निकली रैली। अरकम सी ट्रेवल्स आरे खान मार्केट के निकट मदीना मस्जिद रेती चौक आपके लिए लाए हैं उमराह का खूबसूरत मौका। आप घर बैठे ही उमराह की सारी तैयारियां कर सकते हैं, वो भी बेहद कम खर्चों में। साथ ही ट्रेवल एजेंसी की तरफ से तोहफे में हर हाजी को 3 बैग और 1 एहराम दिया जाएगा। चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते। ऐशप्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर मल्टी स्पेशलिटी सुविधाओं से युक्त आपके गोरखपुर शहर में मॉड्यूलर ICU, NICU और डायलिसिस की विशेष सुविधा। साथ ही हमारे यहां पर हैं जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, न्यूरो सर्जन, हृदय रोग विशेषज्ञ, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी की भी उत्तम व्यवस्था। हमारी सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर सोना घोष इनफर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के माध्यम से निसंतान दंपतियों के लिए IVF, ICSI, IUI लेजर हैचिंग, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर विधि द्वारा संतान सुख प्राप्त करें और सिटी स्कैन, 2D, इको और पेस मेकर लगाने की उत्तम व्यवस्था। तो संपर्क करें डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर, रेल विहार, मेडिकल कॉलेज रोड, चरगावां, गोरखपुर। हेल्पलाइन नंबर 7706900028। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। बात करके देखते हैं, बात करनी चाहिए। बात अमू, बात बात ऐसी है कि एक बार बात करना चाहता हूं मैं तुमसे। बात तो कर सकते हैं ना हम लोग। अब
मुझे ऐसा लगता है अमृता कि होता है, वो चाहता है। समझता बेटर है। मैं क्या कह रहा था, मम्मू तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए, कभी ना कभी तो बात करनी थी। नहीं, टाइम आ गया है, हमें बात करनी चाहिए। हाँ, है ना पापा? हाँ? किससे बात कर रहे हो? अम्मू किसी से नहीं, ओ। मेरी अम्मू अब बड़ी हो गई है ना, तो इसलिए मैं कोई भी बात मुश्किल नहीं, बस शुरू करने की देर है। इस डॉटर्स डे लेट्स टॉक पीरियड्स। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान, डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने, जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सजनवा पुलिस ने हरियाणा निर्मित लाखों की अवैध अंग्रेजी शराब को बरामद किया है। पुलिस ने हरियाणा के 4 शातिर तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। ये शराब ट्रक और लग्जरी कार में छिपाकर लाया गया था। शराब तस्कर लाखों की शराब को बिहार ले जा रहे थे, इस दौरान चेकिंग में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बरामद शराब की अनुमानित कीमत 12.5 लाख रुपये आकी गई है। गिरफ्त में आए 3 युवक हरियाणा और 1 युवक बिहार का रहने वाला है। इस संबंध में गोरखपुर की न्यूज़ संवाददाता से बात करते हुए एएसपी रोहन प्रमोद पोत्रे ने कहा, पहले एक ब्रांड का रॉयल चैलेंज सब निकाल के गिनिए, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार रेगुलर चेकिंग हर क्रॉसिंग पे पॉइंट पे की जाती है। उसी क्रम में सैजनवा थाने ने एक डीसीएम को और एक स्विफ्ट कार, इन दोनों में करीब 12,54,000 रुपये की शराब बरामद की है। जो अभियुक्त इसमें मतलब जो लोग पकड़े गए इसमें, इनका नाम है अशोक शर्मा, सत्यवान, छोटा सिंह और इंदर। वांछित अभियुक्त एक व्यक्ति इसमें से भाग गया है, उसका नाम है मोहित निवासी। सभी लोग ये हरियाणा के हैं। शराब अमूमन तौर से हरियाणा से बिहार लेके जाते हैं और वहाँ पे ऊंचे दामों पे बेची जाती है क्योंकि वहाँ पे शराब बैन है। तो इसी क्रम में करीब रॉयल स्टैग ब्रांड के 268 बोतलें
रॉयल स्टैग ब्रांड के 175 पेटी अंग्रेजी शराब, रॉयल चैलेंज, और एक जो DCM है उसका नंबर प्लेट है UP32LT 2979, और एक मारुति स्विफ्ट कार है जिसका नंबर है HR66A 3559। तो इसमें SO सहजनवा और टीम ने बड़ी अच्छा काम किया था। कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय से संबंध विभिन्न अनुभागों का मंडलायुक्त अमित गुप्ता ने निरीक्षण किया तथा कार्यालय के कार्य प्रणाली, पंजिका एवं पत्रवलियों सहित साफ सफाई, अभिलेखों के रख रखाव आदि का विधिवत चेकिंग किया। इस दौरान मंडलायुक्त ने राजस्व वादों का निस्तारण समयबद्ध ढंग से करने तथा रिट याचिकाओं का काउंटर समय से दाखिल करने के निर्देश दिया है तथा संबंधित अधिकारियों से कहा है कि पेंशन प्रकरणों का निस्तारण प्रमुखता के आधार पर किया जाए, इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों के GPF अपडेट रखने के निर्देश देते हुए कहा कि ऑडिट आपत्तियों का निस्तारण वरीयता के आधार पर किया जाए, हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र का निस्तारण समय से कर दिया जाए। मंडलायुक्त ने यह भी कहा कि जिस मद की धनराशि उपलब्ध उसका व्यय भी उसी मद में हो और अवमुक्त धनराशि का समय सीमा के अंतर्गत 100% उपयोग होने चाहिए। उन्होंने कोर्ट में लंबित वादों तथा 5 पुराने प्रकरणों का निस्तारण प्रमुखता के आधार पर करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, अपर आयुक्त प्रशासन AK सैनी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विधान जायसवाल, ADM प्रशासन डॉ. चतुर्भुज गुप्ता, सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी सदर प्रथमेश कुमार, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आकांक्षा राणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मीडियम सिटी बोला लो उनको पहचान तो मीडियम सिटी पहचान ये तो बोले का दिया हुआ है, इकट्ठा कौन बताएगा? ये नहीं होगी यहाँ पर टीवी का कहाँ रहेगा? क्यों चलो अगली बार आएगी तो मिल जाएगा, ठीक है? बता पुराना कौन सा लंबे तब का हो ना? वो एक पत्रा का है, पत्रा का भी लंबित है ये सबसे पुराना है। कुछ करने के रिमाइंडर वंडर नहीं भेजते हो? मैं बिना तो क्यों भेजेंगे जब तीन तीन इसमें दयाराम भारती के देख लो, बोले संजय सर 17-18 की एंट्री तो है पर 17-18 में वेरीफाई नहीं कराया। सिविल जज किराए हाँ बात कर रहे हैं।
का वार्षिक निरीक्षण किया गया। इसमें मुख्य रूप से सभी अनुभागों की कार्यप्रणाली, विभिन्न न्यायालयों की कार्यप्रणाली और क्या उसमें कार्रवाई चल रही है, रिकॉर्ड रूम है, अभिलेखों का रखरखाव, सेवा पुस्तिका आदि और जो भी कलेक्टर से संबंधित सारे कार्य हैं इनको देखा गया। राष्ट्रीय अधिवेशन के अंतर्गत किसान मोर्चा की रैली में भारत के प्रधानमंत्री का आगमन होना है, जिसकी तैयारी बीजेपी पदाधिकारियों ने अभी से शुरू कर दी है। इस अवसर पर बैठक में क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, मीडिया प्रभारी बृजेश मिश्र, क्षेत्रीय महामंत्री विश्वजीतांशु सिंह आशु, जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी, प्रदीप शुक्ला, जितेंद्र सैनी, मनोज शुक्ला सहित पार्टी के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 अमित शाह जिंदाबाद, 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 योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, 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 मोदी सरकार, एक बार फिर मोदी सरकार, मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी के सभी आदरणीय उपस्थित विभिन्न दायित्वों का कार्यकर्ता भाइयों, सम्माननीय आप सब पहले से परिचित हैं, गोरखपुर में किसान मोर्चे का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। फर्टिलाइजर का मैदान, इन दोनों कार्यक्रमों के दृष्टि से तय हुआ। हम सबके नेता, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी मौके पर एक बार गए थे, हम सब भी वहां उपस्थित थे। तो जहां 16 जुलाई 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी की जुलाई महीने में जो रैली हुई थी, उस मैदान पर वही मंच लगा के उनकी रैली, और उधर का जो हिस्सा है, जो उससे जुटा हुआ दूसरा मैदान है जिसमें सेट भी दो एक बने हैं, उधर उस साइड में अधिवेशन का पांडाल बनेगा। पार्किंग इत्यादि के लिए मानमेला का मैदान है, बाकी सब जगह है। राष्ट्रीय सेवा योजना दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा शुक्रवार को मतदाता जागरूकता दिवस के अवसर पर एक रैली का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय गेट से कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने मतदाता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए शपथ दिलाई गई। प्रोफेसर दिव्या रानी सिंह, प्रोफेसर अवधेश सिंह, डॉक्टर अनुपमा सिंह, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र नाथ सिंह, प्रोफेसर सुषमा सिंह, डॉक्टर दीपक सिंह, डॉक्टर सुमन सिंह सहित विद्यालय के अन्य शिक्षक शिक्षिका और विभिन्न विद्यालयों से आए छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस अवसर पर इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर केशव सिंह और विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वी के सिंह ने कहा, अभी
ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से संबंध शहर के जितने भी महाविद्यालय में एनएसएस चलता है उनके स्वयंसेवक सेविकाएं तथा आवासीय परिसर गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्वयंसेवक सेविकाएं मिलकर के आज विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से मतदाता जागरूकता शपथ लिए हैं तथा आज मतदाता जागरूकता दिवस पर एक रैली का आयोजन किया गया है मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, जिसमें हमारे करीब करीब 700-800 की संख्या में स्वयंसेवक सेविकाओं ने प्रतिभाग किया और माननीय कुलपति जी ने मतदाता जागरूकता शपथ दिलवाई तथा मतदाता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखा के रवाना किया, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारीगण, आचार्यगण, कर्मचारीगण तथा छात्र छात्राएं उपस्थित थे। और यह हम संदेश देना चाहते हैं आम जनता को कि आप मतदान में शत प्रतिशत भागीदारी करें, आपका वोट अमूल्य है, आपके एक वोट से हमारे प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो एक अच्छे प्रतिनिधि चुनने के लिए हमें मतदान करना अति आवश्यक है। इसलिए हम उन युवाओं को और आम जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि वो एक तो मतदाता बने उम्र हो जाने के बाद और दूसरा ये कि मतदान में भागीदारी करें। इसके लिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं तथा भविष्य में इस पर नुक्कड़ नाटक, बात बात प्रतियोगिता तथा हस्ताक्षर अभियान चला करके भी और एक लोकगीत के माध्यम से भी जिसका आयोजन हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा किया जाएगा और मतदाता जागरूकता के लिए ये सारे कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के बैनर तले कराए जाएंगे। धन्यवाद। ये हमारे यहाँ हर वर्ष एनएसएस के द्वारा मतदाता अपने कर्तव्य का बोध करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, इसके लिए युवा वर्ग को जागृत किया जाता है और युवा वर्ग हमारे देश में 65% है, तो ये अति आवश्यक हो जाता है कि भारी संख्या में छात्र और युवा वर्ग आगे निकल करके अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए चुनाव में अपनी सही व्यक्तियों को चुने, जिससे एक सही सरकार का निर्माण हो सके। वेतन विसंगति सहित अपनी 5 सूत्रीय मांग को लेकर मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ का धरना शुक्रवार को भी जारी रहा। धरने पर बैठे NHM संविदा कर्मियों ने मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय से रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। NHM संविदा कर्मियों ने कहा कि हमारी सभी मांगे जायज़ हैं, NHM पूरे देश में लागू है और कई प्रदेशों में हमारी मांगे मान ली गई हैं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। इस दौरान रैली में भारी संख्या में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के चिकित्सक, JSY से जुड़ी स्टाफ नर्स, NM और अन्य संविदा कर्मी शामिल हुए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा, हमारी मांगे समान काम समान वेतन, आउटसोर्सिंग बंद हो जाए, RBSK का ऐप में सुधार हो या अथवा उसको बंद कर दिया जाए, आशा बहुओं को कम से कम 10,000 मानदेय दिया जाए और इस विभाग में कार्यरत रहे MPW उनको पुनः विभाग में समायोजित कर लिया जाए। जैसा कि CMO साहब ने कहा है कि नियुक्ति के समय इस तरह की कोई मांग नहीं थी। नहीं, कोई मांग नहीं थी, लेकिन इस विभाग के अंदर आज 10-12 साल से लोग कार्यरत हैं, जो मानव का जो क्रीम समय है 25 से 40 तक का, उसमें से 15 साल इस विभाग को दे दिया। अब उम्र निकलने के बाद, क्रीम समय निकलने के बाद, क्रीम समय जब इस विभाग को दे दिया, निकल गया, तो अब ये लोग जाएंगे कहाँ जाएंगे, तो क्यों नहीं ये मांगे 5-6 जगह लागू हो गया है, आगे 5-6 जगह लागू।
और इस तरह जो हमारी मांग है वो जायज़ मांग है, इसलिए कि हमारे ये NHM जो है पूरे देश में लागू है और कई प्रदेशों में मांगे मान ली गई हैं, समान काम समान वेतन दिया जा रहा है, HR पॉलिसी दिया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में भी मिलना चाहिए। सरकार जब तक हमारी मांग नहीं मानेगी हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बने रहेंगे। जाते जाते एक नजर हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के व्यापक हैं प्रबंध। ADG ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को दिए सतर्कता बरतने के निर्देश। कहा हर्षोल्लास से मनाएं गणतंत्र दिवस। बड़ालगंज थाना क्षेत्र के सितवा पार में तिलक समारोह में हुई हर्ष फायरिंग में 3 घायल। SSP ने कहा मुख्य आरोपी की तलाश है जारी। गोरखपुर न्यूज के माध्यम से लोगों से हर्ष फायरिंग न करने की अपील। मतदाताओं की सहायता एवं शिकायत हेतु स्थापित डिस्ट्रिक्ट कॉन्टेक्ट सेंटर का मंडलायुक्त ने फीता काट कर किया उद्घाटन। कहा मतदान से संबंधित कोई भी जानकारी टोल फ्री नंबर 1950 से प्राप्त कर सकता है मतदाता। विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री फतेह बहादुर सिंह और महापौर सीताराम ने दिया गणतंत्र दिवस की शुभकामना। गणतंत्र दिवस की 70वीं वर्षगांठ पर ADG मंडलायुक्त IG DM SSP SP रेलवे ASP ने दी अपनी शुभकामनाएं। कहा हर्षोल्लास के साथ मनाएं राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस। 3000 छात्रों ने बनाई मानव श्रृंखला। मनाया राष्ट्रीय मतदाता दिवस। सभी मतदाता समय आने पर मतदान अवश्य करें की कमिश्नर अमित गुप्ता ने दिलाई शपथ। सजनवा पुलिस ने किया लाखों का अवैध शराब बरामद। हरियाणा से बिहार जा रहा था अवैध शराब। ASP ने कहा 4 शराब तस्कर भी हिरासत में। मंडलायुक्त ने किया कलेक्ट्रेट परिसर और विभिन्न अनुभागों का निरीक्षण। कहा कोर्ट में लंबित वादों सहित अन्य कार्यों का समय से करें निस्तारण। कार्यों में शिथिलता बर्दाश्त नहीं। फर्टिलाइजर में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी के संदर्भ में आयोजित हुई BJP की आवश्यक बैठक। मतदाता जागरूकता दिवस के अवसर पर मतदाता जागरूकता रैली को गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मतदान के प्रति छात्र छात्राओं को किया गया जागरूक। और वेतन विसंगति सहित 5 सूत्रीय मांग को लेकर NHM संविदा कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल रहा जारी। CMO कार्यालय से निकली रैली। अब आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।